पेपर सॉल्व हो गया ना पूरा? कल का पेपर सॉल्व हो गया ना? ठीक है, तो अभी अपना क्या बचा? सिर्फ स्क्रू गेज बचा, उसको कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले नाम थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर को एक बार स्पीड में रिवाइज कर लेंगे, और उसमें ना एक चीज थोड़ा सा स्पीड में गलत बता दी मैंने या गलत डिस्कस कर लिया हमने, सिस्टमैटिक समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे को क्लीन पेज चाहिए, एक ये रहा क्लीन पेज, ध्यान से देखना बेटा। देखो बात किसकी की हमने? वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर का फायदा क्या है? सर, मीटर स्केल से हम मिनिमम 1 मिलीमीटर लेंथ गिन सकते हैं, इससे कम नहीं गिन सकते, इससे कम नहीं गिन सकते। इससे कम अगर गिनना है तो यूज करेंगे वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ठीक है, अच्छा, ये पीछे होती है मेन स्केल, इसके ऊपर होती है वर्नियर स्केल, डिटेल में देखा हमने। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एक छोटा सा डिवीजन होता है उसको कहते हैं एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन, और इसके ऊपर जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कंबाइनली इसको बोला जाता है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट आता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज एमएसडी माइनस वीएसडी। ये देखा था कल हमने, एमएसडी माइनस वीएसडी, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। प्रॉब्लम वर्नियर स्केल डिवीजन का है, इसके जगह वैल्यू रखेंगे लीस्ट काउंट आ जाएगा, नीट का लेवल ही इतना है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके बाद हमने देखा था रीडिंग लेना, रीडिंग, रीडिंग कैसे आता है? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग के जीरो से पहले जो भी मेन स्केल की रीडिंग दिखाई दे रही है बस वही आपकी मेन स्केल रीडिंग है। इसके बाद ओवरलैपिंग रीडिंग ढूंढो, किसकी? वर्नियर स्केल की, वो होगी आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना। अब मान लो वर्नियर स्केल को हमने, वर्नियर स्केल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसाया, उसको बंद करके रख रहे हैं, उसको बंद करके रख रहे हैं, तो बंद करके रखते वक्त क्या होना चाहिए कि मेन स्केल का जीरो एंड वर्नियर स्केल का जीरो ओवरलैप होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो नो जीरो एरर, यहां पे कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। ओके, अच्छा मान लो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है? जो वर्नियर स्केल है, जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो मीटर स्केल के जीरो से राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? राइट में होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, लेफ्ट में होगा तो निगेटिव जीरो एरर। तो ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव जीरो एरर है, वो कैसे होगी? ये मेन स्केल का जीरो एंड ये वर्नियर स्केल का जीरो। ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, यहां कहीं पर ओवरलैपिंग यूनिट होगा, मान लो थर्ड रीडिंग ओवरलैप हो रही है, तो ये डिस्टेंस गिनना था हमें, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 3 लीस्ट काउंट, 1 लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट एंड 3 लीस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर में जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। अब ध्यान से सुनो, ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी गड़बड़ में, ध्यान से देखो, ये रहा जीरो किसका? मेन स्केल का। किसका? मेन स्केल का। अब मान लेते हैं कि ये फिफ्थ रीडिंग है, किसकी? वर्नियर स्केल की। ओके, ये ऐसे करके कुछ है यहां पे। ओके, तो यहां पे क्या है? ये फर्स्ट, ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया एंड ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, समझे? ध्यान से सुनो, तो होगा क्या बेटा, एक इमेजिनरी हम क्या करते हैं यहां पर, -1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? -1। तो अब लीस्ट काउंट के फॉर्म में जो डिस्टेंस मेजर होंगे वो कौन से होंगे? ये होगा 1 लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट, 3 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट, सॉरी एक मिनट, यहां पे जीरो आगा ना, यस हाँ, ये क्या हो गया? 4 लीस्ट काउंट, समझे? तो ये डिस्टेंस मेजर होगा, लेकिन जो एरर है वो कौन सा है? ये है,
समझे, एरर कौन सा है, ये वाला है, लेकिन रीडिंग कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अगर चार लीस्ट काउंट है तो ये कितना है, छह लीस्ट काउंट। बात समझ आ रही कि नहीं? पॉजिटिव जीरो एरर का खेल जो ओवरलैपिंग है वही देखना है। निगेटिव के लिए क्या देखना है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढना है, लेकिन वो रखना है क्या, नहीं, टेन माइनस वो आएगा, टेन माइनस वो आएगा, निगेटिव जीरो एरर का खेल ऐसे आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, देखो फिर से एक बार देखो, यहां पर डायग्राम में बता देता हूं। ये देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा ये क्लीन नहीं होगा इसका, ठीक है, चलो जाने दो, इधर ही ले लेते हैं। अच्छा आप एक सिंपल रखो, जीरो एरर के कितने टाइप, दो। जीरो अगर राइट साइड में हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट में हो तो निगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर में ओवरलैपिंग यूनिट देख लेना जो कोइंसाइड हो रहा है, और निगेटिव में जो दिख रहा है वो है क्या, नहीं, टेन माइनस वो है, और वर्नियर स्केल पे 20 रीडिंग हुआ तो 20 माइनस वो है। क्लियर है? इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट वर्नियर स्केल। अब इसके बाद हम बात करेंगे और एक स्केल की जिसका नाम है स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज कहां है भाई, स्क्रू गेज ये यहां पे देखो, स्क्रू गेज। ठीक है, ये तो जीरो एरर हो गया, स्क्रू गेज ये रहा स्क्रू। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर। स्क्रू गेज का दूसरा नाम क्या है, स्पेरोमीटर। एक बात बताओ, वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल थे, दो, कौन कौन से, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, मीटर स्केल एंड वर्नियर स्केल। इसका जो नाम है ना ऐसा है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो कई मास्टर क्या बताते हैं, स्क्रू गेज इसका नाम पढ़ने का रीजन ये है कि ये माइक्रोमीटर डिस्टेंस गिन सकता है, कितना, माइक्रोमीटर तक का डिस्टेंस गिन सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। बाजार में एक स्क्रू आता है, स्क्रू साइज पे डिफाइन होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू, छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू नाम का एक स्क्रू होता है। तो स्क्रू कैसे होता है, ध्यान से देखो, ये ऐसे, ये ऐसा हेड होगा इसका, और इस पे ऐसे ना, ठीक है ना, ये ऐसे वाइंडिंग्स होंगी, और ये रहा इसका हेड। ठीक है, अब इस स्क्रू को अगर तुम ऐसे देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, अरे समझ आ रहा है, इस स्क्रू को अगर ऐसे देखोगे तो यहां सर्कुलर होगा, और इस पे क्या होगा, एक क्रॉस होगा। ठीक है, फिर आप वो स्क्रू ड्राइवर लेते हो, स्क्रू ड्राइवर इसमें बिठाते हो, ऐसे कसते हो इसको, तो इधर घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, उल्टा खोलेंगे तो बाहर आएगा, इधर घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, उल्टा खोलेंगे तो बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें ना कौन कौन सी चीजें, देखो इसको स्पिंडल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पिंडल, ध्यान से सुनना, ये जो है ये थिम्बल है, क्या है, थिम्बल, ये हमारी मेन स्केल है, कौन सी स्केल है, मेन स्केल, इसको पिच स्केल भी बोलते हैं, कौन सी स्केल, पिच स्केल, ध्यान से समझना, मेन स्केल या इसको क्या बोलते हैं, पिच स्केल। ओके, अच्छा पिच स्केल के मिडल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, पूरे स्केल पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको रेफरेंस जीरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेफरेंस जीरो। अब ये जो स्केल है ना, ये जो स्केल है मेन स्केल, इसके ऊपर एक स्केल ऐसी होती है, अब इस स्केल को ना ऐसे घुमा सकते हो तुम, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा घुमाएंगे तो जैसे बॉटल का ढक्कन खुलता है तो खुलते हुए बाहर जाता है वो, तो ऐसे खोलेंगे तो ये पीछे पीछे जाएगा, और ऐसे बंद करेंगे तो आगे आगे जाएगा, ऐसे खोलेंगे तो पीछे जाएगा, लगाएंगे तो आगे जाएगा। क्लियर है? तो ऐसी यहां पर एक होती है, कौन सी स्केल, सर्कुलर स्केल, कौन सी स्केल, सर्कुलर स्केल। ये जो अंदर छिपी हुई है ये कौन सी स्केल है, लीनियर स्केल, मेन स्केल, या इसी को कहते हैं पिच स्केल, क्या कहते हैं, पिच स्केल। और इसके ऊपर ये थिम्बल अटैच है, थिम्बल क्या होता है, सर्कुलर स्केल का स्टैंड होता है, मतलब इस थिम्बल को घुमा के हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सिंपल सा अरेंजमेंट है, देखो ध्यान से सुनो, पहले समझो, मैंने इस थिम्बल को पकड़ा और ऐसे घुमा रहा हूं मैं, समझ रहे हो, ऐसे घुमा रहा हूं इसको, ऐसे खोल रहा हूं इसको, खोल रहा हूं, जैसे बॉटल का ढक्कन खोलेंगे ना, ये बॉटल का अगर ढक्कन खोलोगे तुम तो बॉटल का ढक्कन ऐसे खोलोगे तो बाहर आएगा ना, देखो ये ऐसे पीछे आ रहा है, तो ऐसे इसको थिम्बल को अगर खोलेंगे तो पीछे जाएगा, और इसे बंद करेंगे तो आगे जाएगा, खोलेंगे तो पीछे आएगा, बंद करेंगे तो आगे जाएगा, सेम यही नाटक होता है इधर।
क्या करेंगे, इस थिम्बल को पकड़ के अगर ऐसा खोलोगे, तुम खोलोगे तो ये पीछे आएगा, पीछे आएगा तो यहाँ पे जगह क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट होगा, और ऐसे बंद करेंगे तो आगे जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसे वर्नियर स्केल में दो स्केल है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, यहां भी दो स्केल है, पिच स्केल एंड सर्कुलर स्केल, पिच स्केल एंड सर्कुलर स्केल। अब ध्यान से सुनना, इसका नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस वजह से पड़ा बिकॉज ये जो स्क्रू होता है ना, सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू, इस स्क्रू में क्या एबिलिटी होती है कि अगर मैं इसको एक बार घुमाऊंगा, इसको अगर मैं एक बार पूरा घुमाऊंगा, तो एक बार पूरा घुमाने के वजह से एक डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है या एक डिस्टेंस पीछे आ जाता है। तो ये जो एक डिस्टेंस है ना, ये जो एक डिस्टेंस है, इस एक डिस्टेंस को कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच। इन फिजिक्स पिच मींस फ्रीक्वेंसी, पिच मींस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एक डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलेंगे? पिच। तो क्या सर हर स्क्रू में ऐसे होता है? नहीं, ये सिर्फ माइक्रोमीटर स्क्रू में होता है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू के साइज पे डिपेंड करता है वो। तो अगर मैं इसको एक बार ऐसे, ये क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर ऐसे अंदर फिट करके ऐसा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करूंगा ना, तो ये एक डिस्टेंस आगे चला जाएगा, और उल्टा खोलूंगा तो एक डिस्टेंस पीछे चला जाएगा, समझे। तो एक सर्कल अगर मैंने पूरा किया तो एक पिच आगे आएगा, और एक सर्कल अगर उल्टा घुमाया तो एक पिच पीछे आया। समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, अब इसका मैं नाम रख देता हूं। देखो यहां पे मैं जीरो बोल देता हूं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, ये अब फिट है इस पे, ये फिट है। तो जब ये फिट हो जाएगा ऐसा, यहां रखा है यहां, तो क्या दिख रहा है? जीरो। क्या दिख रहा है? जीरो। मैं ना बेटा अब इसको खोल रहा हूं, खोल रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार ऐसे पकड़ा, ऐसे पूरा एक खोला, तो क्या दिखेगा? वन। क्या दिखेगा? वन। मैंने इसको फिर एक पूरा खोला, क्या दिखेगा? टू। क्या दिखेगा? टू। फिर मैंने ऐसे एक पूरा खोला, क्या दिखेगा? थ्री। फिर मैंने दो बार लगा दिया, क्या दिखेगा? वन। बात समझ आ गई? तो ये कहानी चलती है इसमें। तो मैं अगर एक सर्कल खोलूंगा तो एक पिच से वो आगे या पीछे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन विच डायरेक्शन में तुम खोल रहे हो के बंद कर रहे हो। बात समझ आ रही है? यहां तक कहानी क्लियर है? क्या क्या इसमें? अच्छा ठीक है, अब क्या किया जाता है बेटा, ध्यान से सुनो। अब मेरे को ना इसका साइज गिनना है, ये एक चीज है, बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका मुझे साइज गिनना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा। अब इसको मैं खोल रहा हूं, खोल रहा हूं, तो ये पीछे आ रहा है, ये पीछे आ रहा है। अब ये पीछे आ रहा है तो बेटा ये पीछे पीछे सरक रहा है, ये पीछे पीछे सरक रहा है। मैं खोलता जा रहा हूं, ये पीछे पीछे सरक रहा है, पीछे पीछे सरक रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इस चीज को उठाऊंगा, यहां पकड़ दूंगा, यहां रख दूंगा इसको, ऐसे यहां रख दूंगा, यहां इसको ऐसे पकड़ूंगा। तो पहले मैं खोल के इसको पीछे ले जा रहा था, अब बंद करूंगा, बंद करके लाके फिर ये क्या जाएगा, कुछ देर के बाद ये यहां था तो ये यहां आके फिट हो जाएगा। इसको मैं बंद कर दूंगा पक्के से। अब बंद करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो रैचेट है इधर, रैचेट, इसको घुमा के देखूंगा। अब रैचेट जैसे ही घुमाऊंगा तो कर्र करके आवाज आएगी एक, इसका मतलब वो फिट हो गया। अब ये आवाज नहीं आ रहा, रैचेट आवाज नहीं कर रहा, तो और घुमाओ उसको और फिट करो। तो ये फिट हुआ या नहीं सही तरीके से, ये कौन डिसाइड करेगा? रैचेट। तो जितना कर सकते हो उतना टाइट कर देना उसको, और टाइट कंप्लीटली हुआ कि नहीं कैसे डिसाइड होगा? रैचेट को घुमा के देखना। तो रैचेट को घुमाते ही एक आवाज आ रहा है, तो इसका मतलब फिट हो गया। और रैचेट घुमाते आवाज नहीं आ रहा, तो और घुमा के थिम्बल को और रोटेट करो और उसको ढंग से फिट कर लो। बात समझ आ गई? तो इसको यहां मैंने फिट कर दिया। अब सवाल ये आता है सबसे पहला कि लीस्ट काउंट मतलब क्या, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मतलब क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या स्क्रू गेज मतलब सिर्फ ये एक स्केल? नहीं। क्या स्क्रू गेज मतलब सिर्फ ये एक सेल? नहीं। इनको ना हम दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो, देखो ये मेन स्केल का जीरो है, और मान लो ये सर्कुलर स्केल का जीरो है, सर्कुलर स्केल का जीरो, तो इनिशियली ये यहां पर सर्कुलर स्केल पे फिक्स रहेगा। ओके, ध्यान से देखो। तो क्या होगा बेटा, ये रहेगी तुम्हारी सर्कुलर स्केल, ये थिम्बल है, ये क्या है? थिम्बल है, सर्कुलर स्केल, और इसके अंदर ना ये पिच स्केल ऐसी छुपी हुई है। समझ में आ रहा है? ये पिच स्केल है, तो ये पिच स्केल का जीरो मार्क है, पिच स्केल का जीरो मार्क है, रेफरेंस जीरो। और ये जो सर्कुलर स्केल बनी हुई है इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है ऐसे, तो ये जो जीरो है ना सर्कुलर स्केल का जीरो,
ये सर्कुलर स्केल का जीरो इस जीरो पे आ जाएगा, समझ में आ गया? बिकॉज ये तो ऐसे होगी ना, ऐसे डिस्क जैसी, तो इसका जीरो और इसका जीरो एक दूसरे पे होगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, अच्छा यहां जीरो होगा, यहां दस, यहां बीस, ऐसे घूम के 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर जीरो, समझ आ रहा है? ये पूरा ऐसा रॉड है, इमेजिन करो, ऐसे कर लेंगे, इमेजिन करो ऐसे पूरा थिम्बल है, ऐसे खोड़ रहा हूं मैं इसको, ऐसे खोड़ रहा हूं तो घूमता हुआ खुड़ रहा है ये, फिर ऐसे लगा रहा हूं तो बंद हो रहा है, ठीक है? तो पूरी तरह से जब बंद कर दिया मैंने, तो यहां यहां देखो, यहां पे पूरा ऐसा रिंग है, या रिंग है ऐसे, तो जो जीरो था किसका, पिच स्केल का और सर्कुलर स्केल का, एक दूसरे पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये पूरी तरह से अंदर है, तो यहां हमारा स्टड है, अब ये स्पेस हो गया ना, तो मुझे इस चीज की साइज गिननी है, ऐसे इस चीज की साइज गिननी है, तो मैं क्या करूंगा इसको खोलूंगा तो ये पीछे आएगा और ये चीज क्या होगी, एक्सपोज होगी और इस पे कुछ रीडिंग दिखेंगे। कितने रीडिंग दिखेंगे? दो, एक मेन स्केल रीडिंग, दूसरा स्क्रू गेज की रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या दिखेगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सोच के बताना, इस पे मैं रीडिंग डाल देता हूं, इसको जीरो बोल देते हैं, इसको वन बोल देते हैं, इसको टू एंड इसको थ्री। ध्यान से सुना बेटा, अब इस थिम्बल को मैंने पकड़ा, देखो अब लिस्ट काउंट का कंसेप्ट क्लियर करें, थिम्बल को मैंने पकड़ा और ऐसे घुमाया, पूरा एक चक्का घुमा दिया, तो अब ये चीज कहां होगी, यहां पर, समझा? इतने डिस्टेंस को क्या बोलेगा तू, पिच। क्या बोलेगा? पिच। अब थिम्बल को मैंने दो बार घुमाया तो ये वाली चीज यहां तक आ जाएगी, मतलब टू पिच। तीन बार घुमाया तो थ्री पिच। क्लियर है? अच्छा सर, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, पूरा सर्कल घुमाने के बजाय आधा सर्कल घुमा देता हूं? जब मैं पूरा सर्कल घुमा रहा था ना, तो मेरी सर्कुलर स्केल कुछ ऐसे दिख रही थी, इस पे सिर्फ एक ही मार्क था, जीरो वाला। कितना मार्क था? जीरो वाला। तो यहां से मैं घुमाना शुरू कर रहा था, इसको ऐसे घुमा के फिर वो जीरो वहीं पे ला रहा था, तो एक बार घूम रहा था, तो एक बार घूम गया तो ये यहां से यहां तक पीछे चले गया। अब मान लो मैंने यहां पर एक रीडिंग डाल दी वन, यहां पर एक रीडिंग डाल दी वन, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितने? दो। कितने डिवीजन बने? दो। तो पहले ना यहां पे सर्कुलर स्केल का जीरो था, अब मैंने इसको आधा ही घुमाया, अब आधा घुमाया तो आधा पिच, कितना बार आएगा? आधा पिच। और इस जीरो पे क्या दिखेगा? वन, ठीक है? मान लो मैंने इस पे चार रीडिंग डाल दिए, अब मैंने यहां से यहां तक ही घुमाया तो कितना बार? 1/4 पिच, 1/4 पिच। अब मैंने इस पे अगर 100 रीडिंग्स डाल दिए तो मैं पिच का कितना पार्ट बाहर या अंदर कर सकता हूं? 1/100। समझ में आया? तो पिच को अगर मैं सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट। किसका? स्क्रू गेज का। समझ आ गया? एक पूरी बार खोलने से या बंद करने से स्केल कितना आगे पीछे हो रही है? 1 पिच। आधा खोला तो आधा पिच, 1/4 खोला तो 1/4 पिच, और 100 रीडिंग डाल दिए तो मैं कितना घुमा सकता हूं? सर्कल का 1/100 पार्ट घुमा सकता हूं, तो पिच का उतना ही पार्ट आगे या पीछे होगा। तो यहां से लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बढ़ गई। लीस्ट काउंट की क्या डेफिनेशन आ गई? लीस्ट काउंट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्लियर है? एक बात बताओ, व्हाट इज पिच? सर्कुलर स्केल का तू अगर एक चक्का खोलेगा तो जितना डिस्टेंस आगे या पीछे हुआ उसको क्या बोलेंगे? पिच। उसी पिच को अगर तूने नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? लिस्ट काउंट। क्या मिलेगा? लिस्ट काउंट। बस समझ आ रही है? ठीक है, इतने से आगे बढ़ेंगे, एक सवाल कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा? लिस्ट काउंट। ध्यान से सुनो बेटा, लिस्ट काउंट, पिच समझा? एक ढक्कन खोलने पर जितना डिस्टेंस आगे या पीछे गया उसको क्या बोलेंगे? पिच। या फिर ये जो आपकी स्केल है ना, इस तरह से ये मेन स्केल है, ये एक राउंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? पिच। और स्क्रू गेज डिजाइन ही ऐसे होता है कि तू एक चक्का खोलेगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा हर बार। ओके, ये इस प्रिंसिपल को बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ओके, आधा सर्कल खोलेगा तो आधा डिस्टेंस,
अच्छा कितना सर्कल खोल सकता है, जितने रीडिंग है सर्कल पे। अगर सर्कुलर स्केल पे 100 रीडिंग डाल दी तूने तो सर्कल का कितना पार्ट खोल सकता है, 1/100, तो उतना ही ये एनविल बोलते हैं इसको, उतना ही ये अंदर या बाहर जाए। ठीक है, सो पिच इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेन स्केल ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। डेफिनेशन लिखी होगी, अरे संसार संभाल रहे हैं। ये देखो, वेयर पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय